अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस अभी थोड़ी देर पहले ही हमारा 24 चैलेंज फिनिश हुआ है। तो वैसे तो मैं सो जाता हूँ व्लॉग व्लॉग अपलोड करके, लेकिन आज मैं नहीं सोया क्योंकि बहुत सारा काम है, न्यू घर में काम शाम करना है। तो अभी मैं जाऊँगा न्यू घर में और अली से पता कर लेते हैं, अगर अली जाएगा तो अली को भी अपने साथ ले जाते हैं। अली तो भाई मस्त होके सोया हुआ है, अब्दुल्ला तो उठेगा नहीं। अली अली उठो अली, थोड़ी देर नींद पूरी हो गई आपकी, चलो चले न्यू घर में, खड़े हो जाओ जल्दी। चड्डी लाल भी आ गया है जी, अभी तो चैलेंज कंप्लीट किया और आप बोल रहे उठ जाओ। चलो उठो उठो, अच्छा उठो, जल्दी उठ जाओ, चड्डी लाल इंतजार कर रहा है। चड्डी लाल आ गया गाइस, ये उठ ही नहीं रहा है, ऐसे नहीं उठेगा। अब्दुल्ला को थोड़ी देर में उठाएंगे, वो उठेगा ही नहीं अभी। अब्दुल्ला के लाल कर दो, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ आ जाओ आ जाओ। तो गाइस अभी हम लोग जाने लगे हैं अपने न्यू घर में और इस व्लॉग को करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज ना हम लोग पैदल ही न्यू घर में जा रहे हैं, सुबह सुबह उठ गए तो मैंने बोला थोड़ी मॉर्निंग वॉक हो जाएगी हमारी। और मामा ने रैबिट्स के लिए ना ये बनाना के छिलके वगैरह दिए, ये बहुत शौक से खाते हैं। न्यू घर में आ गए और डक्स को पता चल गया, भाई डक्स ने बोलना शुरू कर दिया, चेक करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कितना खुश हो रही है, चेक करो भाई, इतना गंदा किचन हुआ है और इतनी ज्यादा बदबू आ रही है। आज हमने सबसे पहला काम जो करना है ना, वो ये किचन साफ करना है। चूजे ये रे, रैबिट्स ये रे, पैरोट्स ये रे, सबका खाना छाना खत्म हुआ है तो सबको भाई खाना छाना खिलाते हैं और किचन साफ करते हैं। डक्स को, रैबिट्स को, चूजों को और पैरोट्स को हमने बाहर निकाल दिया, इनको खाना छाना भी डाल दिया। और अली का काम चेक करो भाई, चूजों के टोकरे पे बैठा है। अली खड़े हो जाओ, अली चेक करो प्यार कर रहा है, अली की गोद में सो भी जाते हैं। अली सुला के दिखाओ, अभी देखना सो जाएगा, अभी सो के उठे हैं, अभी नहीं सोएंगे, थोड़ी देर में आपको सुला के दिखाएंगे। भाई अली की गोद में सो जाते हैं। और इसके ऊपर ना हम लोगों को टोकरे के ऊपर भारी वजन वगैरह रखना पड़ेगा। हमारे पास 5 चूजे थे, एक चूजा हमारा गायब हो गया, बिल्ली शिल्ली ले गई। तो हम लोग चूजों को ना खुला नहीं छोड़ेंगे, टोकरे में बंद ही रखेंगे जब तक इनका कोई इंतजाम वगैरह नहीं हो जाता। तो उसके ऊपर ना अली कोई भारी वजन वगैरह रख दो, सबको खाना छाना डाल दिया। अगला जो काम है ना हमने करना है, किचन की सफाई करनी है। और मामा ने मना किया कि अब किचन में ना दोबारा बंद नहीं करना, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गंद कर रहे हैं, इतना गंदा हो गया किचन, चेक करो, पोटियाँ 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 पोटियाँ, मतलब अंदर यहाँ पे एंटर होने का दिल ही नहीं कर रहा। तो करते हैं भाई सबसे पहले फटाफट से किचन की सफाई। किचन को बिल्कुल साफ कर दिया, बल्कि पहले से भी ज़्यादा चमका दिया भाई, बहुत मेहनत से सफाई की है। किचन को अब बंद कर देते हैं, किचन को अब हम लोग यूज़ नहीं करेंगे भाई। पोटियाँ जम गई थी, रगड़ रगड़ के हम लोगों ने पोटियाँ साफ की हैं। और ना डक्स वगैरह को अब ऊपर नहीं छोड़ देते हैं यहाँ पे, रैबिट्स तो अपने घर में चले गए होंगे, आराम से रेस्ट कर रहे हैं जी। नहीं वो अंदर है रूम में जी, सोफे के नीचे जाके निकाल लो। ये देखो भाई बड़े मज़े से बैठ के यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं रैबिट। और चूज़ों के ऊपर ना हमने एक चूल्हा रखा हुआ था, चूल्हा रख दिया ताकि बिल्ली शिल्ली इसको हिलाए नहीं। और भाई अब भूख भी लगी है, सुबह से हम लोग काम में लगे हुए, तो चलते हैं भाई अब फटाफट से अपने घर। बस आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, न्यू घर से आके मैं नहाया हूँ, फ्रेश हुआ हूँ, कपड़े शपड़े चेंज किए हैं, नाश्ता भी रेडी हो गया। नाश्ते में आज मामा ने छोले दिए हैं, दही दिया, अचार है, चाय और देसी पराठा। तो करते हैं भाई फटाफट से अपना सुबह का देसी नाश्ता। नाश्ता कर लिया, अभी पापा की कॉल आई है, पापा ने कहा है न्यू जो हमने कार ली थी ना उसकी नंबर प्लेट चेंज होंगी, तो जो पुरानी नंबर प्लेट्स हैं वो कार में ही पड़ी हुई हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कार भी चेक कर लेंगे, इतने दिनों से भाई हमने कार ही नहीं चेक की है। और हमारी गली में शादी हो रही है, देखो इतनी ज़्यादा कारें खड़ी हुई हैं, पूरी गली में कार्स ही कार्स हैं। हमारी बाइक इधर खड़ी हुई है, बाइक अंदर गली में जा नहीं सकती, तो हम लोगों ने ना बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी थी अपनी, आगे तक कार्स खड़ी हुई हैं, वो सबसे आगे दूल्हा की कार खड़ी हुई है, बाइक हमने यहाँ खड़ी कर दी थी। बाइक भी हमारी फंस गई है, यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि कार ना गली छोटी सी है, आराम से निकल गई फाइनली। चलो 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 चलो, इतने दिनों बाद मैं अपनी कार देख रहा हूँ। ये ना हम लोगों ने अपने कजन के घर खड़ी की हुई है, यहाँ सेफ खड़ी है। सीन ऐसा न्यू घर तो ले लिया, लेकिन ना मुझे कार निकालनी नहीं आती क्योंकि यहाँ की चलानी तो आ गई है भाई मुझे, लेकिन यहाँ की गलियाँ बहुत छोटी छोटी हैं और ये लग लगा गई ना तो सिविक के पार्ट्स भी बहुत महंगे, इसलिए भाई मैं छेड़ता ही हूँ कार को। बस अभी नंबर प्लेट्स निकालनी है तो उस वजह से हम तरपाल शरपाल उतार रहे हैं। ये पापा ही दो तरपाल चढ़ा के गए हुए थे, चक्कर दो दो तरपालें चढ़ाई हुई। ये क्या,
गाइस चेक करो, नंबर प्लेट भी पूरी टेढ़ी हुई है, ऊपर से ना नंबर भी उतर गए नंबर प्लेट के, क्योंकि ना बहुत तेज, आप लोगों को पता है कल परसों तूफान आया था तो उसकी वजह से ना तरपाल चढ़ाई हुई थी, तरपाल भी उड़ रही होगी तो उसकी वजह से पूरी नंबर प्लेट आगे से टेढ़ी हो गई है। तो खैर पापा न्यू नंबर प्लेट्स लेके आ जाएंगे, पूरी नहीं उतारनी, सिर्फ हमने डिग्गी खोलनी है। लॉक खोलो अली। अरे यार तुम बच्चे हो भी तुम लोग यार। अबे पहले लॉक तो खोलो। ओ भाई साहब, गाइस पापा ने ना छुपा के रखी है नंबर प्लेट्स कहीं बूफर के पीछे, इतना बड़ा तो बूफर ही लगा हुआ, इसको हिलाना भी मुश्किल है। चेक करते हैं, मिल गई, ये रही नंबर प्लेट्स, ये चेंज हो जाएंगी और इसकी जगह न्यू नंबर प्लेट्स आ जाएंगी। बंद कर दो, ये बंद कर दी हमने डिग्गी, कपड़ा शपड़ा दोबारा चढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है और कार का कलर भी उतर सकता है, इतनी गर्म हो रही है, हाथ भी नहीं रखा जा रहा, हाथ जल रहा है, हमारे बुरा हाल हुआ है, पसीने छूट गए। अभी सीन ऐसा, हम लोग जाते हुए ना नींबू पकड़ लेंगे, आज मेरा दिल कर रहा है नींबू पानी पीने का। चलो 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 चलो, तरपाल हम दोबारा से चढ़ा देते हैं, कार की नंबर प्लेट्स लेके हम लोग घर आ गए थे, नंबर प्लेट्स हमने बॉक्स में पैक कर दिए हैं, और भी पापा को कुछ सामान भेजना था वो भी हम लोगों ने बॉक्स में पैक कर दिया। बस तकरीबन 5 बजे आएगी, अभी 2 बज रहे और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग ट्यूबवेल में नहाने के लिए जाएंगे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं ट्यूबवेल में नहाने के लिए, रास्ते से हम लोग चड्डीलाल और फट्टू सिंह को भी पकड़ लेंगे, चलो चलो चलो, और फिर वहीं से ना नहा के ट्यूबवेल में हम लोग चले जाएंगे 5 बजे अड्डे पे सामान शामान रखवाने के लिए बस में। चलो 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 चलो, असद हम लोगों को मिल गया था रास्ते से, बाइक में पेट्रोल भी नहीं तो भाई पेट्रोल डलवा लेता हूँ। फाइनली गाइस हम लोग ट्यूबवेल पहुंच गए, वो सामने ट्यूबवेल नजर आ रहा होगा आप लोगों को, और भाई हमसे पहले चड्डी लाल और उसामा हमसे पहले ही पहुंचे हैं, और हम लोगों को खतरनाक रास्ते से जाना पड़ेगा, ये चेक करो पानी पानी है, ओए होए होए यहाँ से जाना पड़ रहा है, ओए गहरा पानी है, मैं तो अंदर चला गया हूँ, आराम आराम से बाइक लेके आना, आ जाओ, ओए बाइक पूरी अंदर चली गई भाई, ओए आ गई बाइक, ओए गिर जाते अभी अली, आ जाओ बहुत मजा आने वाला है, पूरा स्विमिंग पूल जितना ट्यूबवेल है भाई, बहुत बड़ा ट्यूबवेल है, अभी इसमें पानी भी कम है, अली तो चला भी गया है, यहीं पे अपने जूते उतार देते हैं भाई, ओए होए बहुत मजा आने वाला है, और गाइस मैं भी ट्यूबवेल के अंदर आ गया हूँ, अली तो नहा भी लिया भाई, तरबूज भी घूम रहा है इधर, ओए होए किसी ने ठंडा करने के लिए डाला, और बहुत ठंडा ठंडा पानी है, ओए होए होए चड्डी लाल भी आ गया, अब्दुल्ला कहाँ है, अब्दुल्ला छलांग लगा, अब्दुल्ला आ ही नहीं रहा है डर के, देखो भाई कितनी प्रेशर से पानी आ रहा है, बहुत ठंडा ठंडा पानी है, ओए पूरा गीला हो गया हूँ मैं, ओए इतना प्रेशर है, अली उड़ के गिरा है, गाइस मैं भी कैप उतार देता हूँ, ओए होए ओए होए, और अब मैं जाने लगा हूँ, मजा ही आ गया, ओ मजा आया, अली कौन धक्का दे रहा है, चट्टी लाल धक्का ली दे, ओए अब्दुल्ला को धक्का दे दिया, उसामा ने अब्दुल्ला को धक्का दे दिया, पानी पानी खींच रहा ना, बहुत तेज प्रेशर है भाई, बहुत तेज प्रेशर है, ओए 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 गाइस, तो पानी के अंदर जाने लगो, बहुत ज्यादा साफ पानी है अभी तो, थोड़ा पानी, जब थोड़ा पानी भर जाएगा ना फिर हम लोग पानी के अंदर भी जाएंगे, अब्दुल्ला खड़ा हो हमारी शक्ल देख रहा है, अब्दुल्ला को भी नहला दिया, मेरी कैप भी नहा रही है यहाँ पे, आज धुल जाएगी साफ हो जाएगी, पट्टू सी गाना मजे से नहा रहा अली, जरा अली देखते हैं आप पानी के अंदर कितनी देर तक सांस रोक सकते हो, ठीक है पक्का, चलो 3 2 1 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और चैलेंज करते हैं। ये देखो गाइस, इनके लिए मैंने यहाँ पे बेडरूम लगवा दिया, ये लोग सो गए इधर। ओ भाई गाइस, बहुत मजा आ रहा है। अली को पकड़ के खींच दे, अली को खींच दे। बहुत मजा है, बहुत मजा आया। और आप लोगों को दिखाता हूँ, इतना बड़ा कुआं है, जालियां लगी हुई है साइड में जहाँ से ये पानी आ रहा है। ओए होए होए, चेक करो भाई। ओए होए होए, और भाई अली का तो दिल ही नहीं भर रहा है नहा नहा के, अभी दूसरी साइड अली नहाने चला गया है। दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे तो स्लाइड सिस्टम बना हुआ है। अली आओ इधर आओ। गाइस आप लोगों को दिखाते हैं, अगर यहाँ मैं बैठ जाऊंगा ना तो मैं खुद ब खुद मुझे पानी आगे लेके जाएगा। अभी देखना, अली खुद ब खुद आएगा। की स्लाइड बनी हुई है, ये देखो कितनी, कितना प्रेशर से यहाँ से पानी आ रहा है। ओ अली के चप्पल चले गए भाई। खुद ब खुद टर्न कर रहा है अली को, देखो भाई अली खुद ब खुद आएगा अभी। वो लेट जाओ लेट जाओ। देखो गाइस अली खुद ब खुद आ रहा है। वो ये देखो मेरे नीचे से जा रहे अली। ओ भाई साहब, गाइस मैं भी बैठता हूँ, देखते हैं मेरा वजन बर्दाश्त कर सकता है पानी या नहीं। बहुत प्रेशर से आ रहा है। हटो अली, देखते हैं पानी मुझे लेके जाएगा या नहीं। मेरा वजन ज्यादा है, वो मुझे भी लेके जा रहा है पाली। गाइस मुझे भी लेके आ गया पानी। गाइस कितने प्रेशर से जा रहा है। ओए होए होए, ओए भाई बहुत मजा आ रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ। ओए होए होए, ओए अली ने मुंह अंदर कर लिया भाई। ओए चेक करो, गाइस हम लोग लेट हो रहे हैं, हम लोगों ने अड्डे पे सामान देने के लिए जाना है। अब चलते हैं फटाफट से अड्डे पे, बहुत नहा लिया हम लोग आज के लिए, इतना काफी है। ओए कल परसों फिर वापस आ जाएंगे। मेरे जूते देखो कहाँ गिर गए। ओए मैं खुद भी गिर गया हूँ। आज तो नहा नहा के भाई मजा ही आ गया, और हमारे मजे के चक्कर में कहीं बस ना निकल जाए। तो चलते हैं भाई फटाफट से अड्डे पे, आगे हो जाओ आगे हो जाओ। चलो 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 चलो, अड्डे पे पहुंच गए हम लोग, और बहुत शदीद गर्मी हुई है। हम लोग यहाँ पे बस का वेट कर रहे हैं। असद मेरे लिए घोटा लेके आया बादाम का, क्या बोल के लेके आया, चेक करने के लिए, टेस्ट कर रहे हैं कैसा होता है। फर्स्ट टाइम पी रहा हूँ बादाम का घोटा। समझ नहीं आ रही यार, मुझे ऐसा लग रहा है मैं दवाई पी रहा हूँ। ये ले खुद पी ले। बस आ गई, इसमें रखवा देते सामान।
कराची सिंध कराची सिंध मुल्तान कराची जा रहे वाली आ जाओ अब्दुल्ला सामान रखवा रहा है आ जाओ सामान रखवा दिया बस में और बस भी चली गई है अब हम भी चलते हैं भाई फटाफट से घर आ गए चलो देख के भाई चलो घर आ गए थे घर आके फ्रेश हुए मामा ने चाय बना के दी थी चाय पी है अभी हम लोग जा रहे हैं अपने न्यू घर में और अब्दुल्ला जा रहा है पैरट्स वगैरह का खाना शाना लेने के लिए लूसन और घास भी लेके आ जाना डक्स के लिए और रैबिट्स के लिए न्यू घर में आ गए हैं अब्दुल्ला खाना शाना भी लिया अब्दुल्ला घास लेके आए बरसीना ये रैबिट्स बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और ग्रीन वाले पैरट के लिए ना अब्दुल्ला बीज लेके आए बीज बहुत शौक से खाता है पैरट ना और ये छोटे पैरट्स के लिए बाजरा और चूज़ों के लिए बाजरा तो खाना शाना डाल देते हैं डक्स बहुत शौक से खाती हैं वाला घास रैबिट्स ये बरसीन खाएंगे इधर लेके आओ ये भी घास ही है रैबिट्स भाई बड़े मज़े से अपने घर में बैठे हैं हटो यहाँ डाल देते हैं यहाँ पे आके खुद खा लेंगे रैबिट ये डाल दिया चूजों को भी खाना दे दो चूजों को भी दे देते हैं जाओ चूजों के लिए बाजरा लेके आओ ओ भाई साहब अली इधर आओ अली चेक करो दो चूजे मर गए बेचारे दो चूजे पता नहीं ये कैसे मर गए ओए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है हमारे दो चूजे मर गए ये गर्मी से ही आई थिंक मरे हैं शायद क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी हम लोगों ने ना दड़बा बनाना था तो मामा ने बोला काम रोक दो अभी हम लोग दड़बा नहीं बना रहे हम लोग बने बनाना दो तीन पिंजरे ला के रख देंगे अभी इसलिए हम लोग सामान भी नहीं लेके आ रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है हम लोग चूजे डक्स पैरट्स मोर वगैरह सब कुछ डॉग्स वगैरह सब लेके आएंगे लेकिन पहले हम लोग थोड़ा इंतज़ाम कर लें यहाँ पे पिंजरे बनवा दें सारे और यहाँ पे हम ना तरपाल लगवा देंगे थोड़ी यहाँ पे गर्मी शर्मी कम हो जाएगी जी और रैबिट्स ना चूजों के पास जाएंगे मरे उनको हाँ उसकी जरासीम से ना चूजे वो रैबिट्स हाँ उनको भी सबको जरासीम लग जाएंगे इनको ना कहीं दफना देते हैं हम लोग आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अनस भाई मिनी जू में स्विमिंग पूल होना चाहिए तो हम लोगों ने काम शाम स्टार्ट कर दिया आज हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा डक्स के लिए स्विमिंग पूल बना देंगे स्विमिंग पूल के लिए खड्डा हमने खोद दिया और नीचे से लेवल भी कर दिया अली भी काम पे लगा हुआ असद लेवल कर रहा है और अब्दुल्ला से हम लोगों ने पन्नी मंगवाई थी अब्दुल्ला पन्नी भी लेके आ गया पन्नी इसके अंदर भी छा देंगे ये सारी मट्टी निकालनी पड़ेगी अंदर से जल्दी निकालो नीचे से ना ज़मीन हम लोगों ने लेवल करके ऊपर प्लास्टिक भी छा दी थी प्लास्टिक के ऊपर हम लोगों ने इंटें शीटें रख दी ताकि जो डक्स के पंजे ना वो लगें तो प्लास्टिक फटे नहीं आज हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग स्विमिंग पूल बना के जाएंगे और तकरीबन स्विमिंग पूल बन चुका है शाम से हम लोग लगे हुए पसीना हो गए और हमारा स्विमिंग पूल फाइनल हो गया अभी हम लोगों ने ना इसको सुबह तक सूखने के लिए छोड़ दिया सुबह हम लोग इसके अंदर पानी भर देंगे और रात हो गई अब चलते हैं भाई फटाफट से घर सबको खाना शाना डाल दिया डक्स को हम लोगों ने खुला छोड़ दिया रैबिट्स को भी खुला छोड़ दिया और जो चूजे थे ना और पैरट्स थे उन लोगों को हम लोगों ने अंदर किचन में बंद कर दिया और पैरट को हम लोग वापस घर ले जाएंगे ये लो अली पकड़ लो पैरुक को घर आ गए थे घर आके मैं काम शाम में बिजी हो गया था एडिटिंग करने लग गया था अभी एडिटिंग कंप्लीट की है और खाना रेडी हो चुका है खाने में आज मामा ने आलू चिकन का शोरबे वाला सालन बनाया तो खाते हैं वही फटाफट से अपना रात का खाना पीना हो गया अली ट्यूशन गया हुआ था अली भी ट्यूशन से वापस आ गया और इतनी ज़्यादा गर्मी हुई ना क्या बताऊँ आप लोगों को हमारे पास एक बच्चा कुचा कूलर ही था ये भी हम लोगों ने 24 आवर चैलेंज करके सारा ख़राब कर दिया इसमें से अब खड़ की आवाज़ें आती हैं मैं सोच रहा हूँ कि अपने रूम में ना एक एसी लगवा लूँ ताकि हम लोग रात को सुकून से सो तो सकें और गाइस आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि आज मैं सुबह 7 बजे का उठा हूँ बल्कि मैं तो पहले उठता हूँ 7 बजे से पहले उठता हूँ नमाज शमाज पढ़ता हूँ फजर की उसके बाद व्लॉग अपलोड करता हूँ आज तो मैं सोया भी नहीं हूँ तो बस बहुत ज़्यादा थक गया हूँ तो इस व्लॉग को यहीं से करते हैं एंड आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आना चाहिए क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे अनस भाई स्विमिंग पूल में जाओ मैं भाई स्विमिंग पूल से भी अच्छी जगह गया हूँ ट्यूबवेल तो आप लोगों ने लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना गाइस अली भाई तो गाइस आज हम लोग ट्यूबवेल पे गए थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया और अब्दुल्ला मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के उस तेज़ पानी वाले प्रेशर में ले गया और मुझे उसके अंदर डुबा दिया मेरी नाक में पानी चला गया था लेकिन मज़ा तो बहुत ज़्यादा आया हम लोगों को और आज हमारे दो चूजे भी मर गए बहुत ज़्यादा दुख हुआ जब भी हम लोग चूजे लाते हैं कभी बिल्ली खा जाती है तो कभी मर जाते हैं तो हम लोगों ने आज डक्स के लिए न्यू स्विमिंग पूल भी बनाया सुबह हम लोग सारा पानी वानी डाल लेंगे उसके अंदर तो इसी लोग को मैं ऊपर करने लगा एंड आई होप ऐसे लोग पसंद आएगा तो इसलिए लाइक करें कमेंट करें शेयर करें
और ज्यादा सब्सक्राइब तो मस्ट है, और बेल आइकन भी दबा दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।